नवरात्रि, दशहरा और दिवाली के शुभ अवसर पर न्यू प्रीत मोटर्स लाया है हीरो बाइक की फुल रेंज एट लोएस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लो ईएमआईज। इसके अलावा यहां पर हार्ली डेविडसन बाइक, हीरो इलेक्ट्रिक स्कूटर, मैवरिक 400 सीसी जैसे बाइक्स भी अवेलेबल है। तो जल्द से जल्द विजिट करें आपके भिवंडी का एकमात्र हीरो ऑथराइज्ड डीलर एंड सर्विस सेंटर न्यू प्रीत मोटर्स। बाकी की डिटेल्स स्क्रीन पर है। भिवंडी में पिछले महीने से ही सभी ढाबों की जांच की जा रही थी और 50 से भी अधिक ढाबों पर छापेमारी की गई और 12 ढाबों को बंद कर दिया गया। एफडीए द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक बंद किए गए ढाबों में से कई गंदगी रखते थे या फूड क्वालिटी मेंटेन नहीं रखते और कई ढाबे बगैर लाइसेंस के चलाए जा रहे थे। नागरिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए ढाबों पर छापे मारे गए और कार्रवाई की गई। भिवंडी में नहीं थम रहा आवारा कुत्तों का आतंक। एक बार फिर 39 लोगों पर कुत्तों ने हमला किया। नदी नाका मीतपाड़ा इलाके में एक ही कुत्ते ने 13 लोगों पर हमला कर दिया, जिस वजह से 35 साल व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। एक ही दिन में कुत्तों के इतने हमलों से इलाके में लोग काफी डर गए। पुणे में एक दिल दहला देने वाले सड़क हादसे में नौजवान महिला की मौत वाकई हो गई। बताया गया कि महिला सड़क पार कर रही थी और इस दौरान एक डंपर ने उसे कुचल दिया, जिस वजह से मौके पर ही महिला की मौत हो गई। मामले की मजीद जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री लाड की बहन योजना का तीसरा चरण आज रायगढ़ में हो रहा था, जिसमें सीएम और डिप्टी सीएम शामिल थे। इस इवेंट में शामिल होने के लिए महिलाओं से भरी बस खाई में गिर गई। बस में 20 महिलाएं मौजूद थी, जिनके जख्मी होने की खबर है, लेकिन खुशकिस्मती से कोई जानहानि नहीं हुई। भिवंडी में सड़क हादसों की संख्या बढ़ रही है और इन हादसों में अक्सर दोपहिया वाहन चालकों की मौत हो रही है, लेकिन इन हादसों की मुख्तलिफ वजूहात में एक वजह ये भी है कि नौजवान युवक फुल स्पीड में बेफिक्र होकर गाड़ी चलाते हैं और अपने साथ साथ दूसरों की जानों को भी खतरे में डालते हैं। गोवंडी में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की घंटा गाड़ी से एक 9 साल के बच्चे की मौत हो गई। खबरों के मुताबिक सुबह 11 बजे के करीब जब बच्चा सड़क पार कर रहा था, तब तेज रफ्तार घंटा गाड़ी ने बच्चे को टक्कर मार दी, जिस वजह से बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे के बाद लोगों ने गुस्से का इजहार करते हुए घंटा गाड़ी पर हमला कर दिया। पुलिस ने भी इस मामले में ड्राइवर को गिरफ्तार कर जाँच शुरू कर दी। थाने पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चला रहे 4 लोगों को गिरफ्तार किया और 9 महिलाओं का रेस्क्यू किया। खुफिया जानकारी की मदद से पहले पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें 2 महिलाएं भी हैं, और फिर 9 विक्टिम्स को रेस्क्यू किया गया। 2 महिलाओं को थाईलैंड से भी रेस्क्यू किया गया। आरोपियों से मजीद पूछताछ की जा रही है। थाने में डोमेस्टिक वायलेंस के चलते एक महिला की मौत वाकई हो गई। खबरों के मुताबिक 28 साल महिला अपने 32 साल के पति और 1 साल की बच्ची के साथ रहती थी। महिला डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार थी। घटना के दिन 32 साल पति ने गुस्से में आकर महिला का गला काट दिया और फरार हो गया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है।